Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to our channel. Our channel, my channel, मेरा channel है वो. तो मैं भी बोलूँगी my channel. तो कैसे हो सभी लोग? हम लोग की लड़ाई starting में. I hope आप बहुत अच्छे होंगे. यही करते हैं, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं अपना नहीं मानता, मैं इनका ही मानता हूँ. But कैसा वो starting में ना मुँह में आ जाता है वो. तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हम कैसे मिले और हमारी शादी कैसे हो गई. और जो स्टार्टिंग को हमने हमारी जो स्टोरी बताया था वो इससे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये स्टोरी हमने अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था. ये हमारे बचपन से लेके शादी तक की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ गए, है ना. तो हम कैसे मिले कैसे, तो स्टार्ट करते हैं. तो फरा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बचपन का उन्हें बहुत पूरे अच्छी तरह से याद है. उन्होंने मेरे को आज बताया वो पूरा, क्योंकि मैं भी थोड़ा भूल गया था. हाँ, नहीं याद था आपको? थोड़ा थोड़ा याद था, पर आपने वो बातें ना पूरे ताजी कर दिया, तो मेरे को भी पूरा वो याद आ गया. तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता है मैं पुणे से नहीं था, फरा पुणे और मैं बीजापुर से हूँ. और मेरे बहन रहते थे पुणे में, तो मेरे खाला, मेरे भाई, बहन पुणे में रहते थे. तो मेरे बहन की शादी थी तो मैं बहुत छोटा था. जब मैं इतना छोटा तो फरा मेरे से ज्यादा. 9 साल के रहेंगे आप, मैं क्योंकि 7 साल की थी शायद. तो नहीं, 7 साल की होंगी. अच्छा, तो मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल के. 9 साल के थे आप. बट बहुत छोटा था क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने वो फोटोज देखा हमारे, तो अच्छा लगा मेरे को. तो शादी थी तो मैं आया था 2 या 3 दिन पहले शादी से. अच्छा. हाँ, और वो शादी और लड़का हमारे यहाँ का था. हाँ, जो मेरे भाईजान है वो इनके साइड से, इनके बाड़े में वहाँ से थे. और ऑब्वियसली मैं मेरी बहन के तरफ से था. और ये शादी हो गई शास्त्री नगर में. अच्छा. वहाँ पे था हमारा बहन खाला का घर, तो वहाँ पे शादी हो गई. 2-3 दिन पहले मैं आया था. मतलब आई थिंक मैं पुणे को उस टाइम फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरे को पुणे बहुत अच्छा लगा था घूमने करने बाहर. तो ऐसे ही घूम रहे थे कर रहे थे, फिर बच्चे लोग भी आए थे, पूरे हमारे पूरी फैमिली आई थी ना, तो खेलने वेलने में मजा आया. फिर उसके बाद शादी नजदीक आई, तो आगे का फरा बताएंगे आपको क्या क्या हो गया शादी में. तो फिर शादी मैं जैसे बच्चे लोग खेलते हैं वैसे, अभी मैं भी तो शादी में गई थी, ये भी थे. ये इतने छोटे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे शादी. हाँ, में फरा आप भी बहुत क्यूट लग रहे थे. मैंने ब्लैक कलर का कोट पहना था और आपने पिंक फ्रॉक. हाँ, तो वो फ्रॉक ऐसा हम लोग खेल रहे थे, मेरे भी फ्रेंड्स लोग थे. लेकिन अभी कैसा मेरा फ्रेंड थी जो उसके, हम लोग सब इतने भी नहीं थे, सब मेरे से बड़े बड़े थे, मेरे उम्र के तो नहीं थे कोई. तो ऐसे ही अभी इन लोग के जो फैमिली थे इसमें मुझे बच्चे दिखने लगे. तो फिर जैसे इन लोग के इसमें मैं भी चली गई खेलने के लिए. तो खेल रहे तो इन लोग ने क्या किया, ये सब गांव वालों ने मुझे ना टॉर्चर करने लगे. नहीं लेने का इसको, इसके चुपर डैन देने का, इसको ऐसे करने का, खेलने में मुझे टॉर्चर करने लगे ये सब मिलके, ये भी थे उसमें. तो उसके बाद में फिर मैं बोली नहीं मैं नहीं देने वाली. तो बोले हमारे इधर बोले ऐसा नहीं जाने देते, डैन नहीं दिए ना तो मारते. और मैं भाग रही थी ना तो इन्होंने मेरे बाल खींचे थे ऐसे. हाँ, ऐसे बाल खींच के मैंने मारा, मैं वहां से भाग के चला गया. और ये मेरे को बहुत देर तक ये रोने लगे उस टाइम, रो के ना मतलब किसी बड़े के पास गए. तो फिर कौन था लड़का होगा कि बोले इन्होंने बोले नहीं बोले छोटा था, बोले इन बच्चों में खेल रहा था. फिर बाद में इन्होंने बोला लगा भूल गई होंगी, नहीं पहचानी. लेकिन इन्होंने मेरे को बराबर पहचाना. तो मैं क्या करा, थोड़ा आगे गया तो इन्होंने क्या किया मालूम क्या, उस टाइम पत्थर लेके ना मेरे को पहला मेरे को लगा ऐसे डरा रहे, बोला अरे नहीं मारेंगे. मैं बोला अरे 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 लगेगा लगेगा. बोले एकदम गुस्से में थी, मेरे बाल खींच के जाएगा तू करके ऐसे एकदम फेंक दिए पत्थर. अच्छा, मेरे को लगते लगते बच गया उस टाइम. हाँ, तो पत्थर फेंक के मैंने इनको मारी थी. बट बचपन में हमारी पहली मुलाकात ऐसी थी. हाँ, बट मैंने उनकी ना बहुत खिंचाई किया था, मैं उनको बहुत सता रहा था उस टाइम. क्योंकि बार बार अभी जब अपने बच्चों के साथ आया तो उन लोगों के साथ खेलने मांगता ना, ये हमारे बीच में आ रहे, हमारे बीच में बार बार ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे. मैं इतना चिढ़ा रहा था, बार बार इनको मार रहा था, भाग रहा था, इनको कोई पहचान ही नहीं रहा था. इतनी पब्लिक थी, मैं किधर भी जाके छुपने का, इनको मार का ऐसा कर रहा था. मैं बहुत मजा आ रहा था उस टाइम मेरे को.
फिर बाद में शादी हो गई शाम में, फिर ये भी चले गए। फिर तो फिर मैंने सोची कि अभी अभी इसको देखती मैं वली में तो हमारे बाड़े में जाने वाला है ना, तब इसको दिखाऊंगी। देखा क्या तभी से इन्होंने सोच के रखा, तभी बदला लूंगी मैंने बोली थी। फिर मैंने सब मेरे गैंग जमा किए ली थी कि ये अपने बाड़े में आएंगे ना तो इन लोग को मारने का है। तो मेरे पास भी गैंग थी, मैं अकेला थोड़ी था। फिर भी मैंने हमारे यहाँ की भी गैंग जमा, हमारे गैंग में तो मैं ही बड़ा था, मतलब मेरा भाई था, मेरे मामी के लड़के थे, सब मेरे से छोटे ही थे, वो मैं जैसा बोलता वैसे ही सुनते थे। उस टाइम तो आपको बहुत मार खिलाया होता। बट इनका जो प्लान इन्होंने पूरे सोच के रखा था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं वली में को आया ही नहीं। मतलब फैमिली गई थी पर मैं नहीं गया, तो मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। शाम का टाइम था, अम्मी अब्बा वो सभी जो शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, क्या घर पे कोई भी नहीं था, बच्चे लोग ही थे हम, तो खेल रहे थे। तो मेरा भाई क्या बोला, एकदम भाग के आया तो बोला वहाँ पे ना गधे जा रहे हैं, चलो उनको मारेंगे, अभी गाँव के बच्चे, अभी आपको तो पता ही है। तो पहला कुत्ते की एकदम ये आ गई, जैसा एक वो झुंड आती है ना वैसे आई, तो उनको मार के भगा दिए। फिर बाद में गधे की झुंड आई, तो गधे के झुंड में मैंने क्या बुलाया मेरे को, फिर मैं मारने गया। हमारे घर के जो ये घर, ये बिल्डिंग के उधर ना सर्कस जैसा लगा था, तो उसको राउंड से जो पतरा रहता है ना वो लगाए थे उन्होंने, तो उसके पास से गधे जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, पत्थर लिया, पत्थर लेके ऐसा जोर से उनको मारने गया, बट वो क्या हो गया ना, मेरी उंगली एकदम इसको ही लगी, पतरे को लगी, तो वो जो एकदम प्रेशर से मारा था ना वो मेरे को ही लगा वापस, क्योंकि ये मेरे देख सकते हैं, शायद आपको देखेंगे नहीं, ये उंगली ना मेरी इतनी कट हो गई थी वहाँ पे, अभी भी निशान है मेरे को, ये देखा था तो मेरे को वही याद आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया था। ऐसे किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं भी छोटा था, मेरे को भी इतनी समझ नहीं थी, बट अल्लाह ने मेरे को तभी बता दिया था, सजा तभी मेरे को मिली थी। ये उंगली ना ऐसे हो गई, इतने में बची थी निकलने के लिए, फिर अभी पूरा एकदम छोटा था मैं, हाथ पैर में हाँ फेविक्विक से चिपका है, तब जाके चिपके, क्या बातें करते हैं फेविक्विक से, वो कैसे चिपकेंगे फेविक्विक से। तो फिर उस टाइम मेरे नानी थे, तो मैं एक जल्दी से गया नानी को बताया, नानी देख के एकदम ये होने लगे। फिर बाद में मेरे खाला थे और मेरा भाई था, तो जल्दी से वो लोग मेरे को लेके हॉस्पिटल को गए, हाँ लेके गए। तो मैं डरने लगा, छोटा ही था, तो इतने से उंगली के लिए मेरे को ना कितने 7 टाके डाला था डॉक्टर ने, 7 टाके, और पूरा हाथ मेरा प्लास्टर हो गया था, ऐसा ऐसा गले में डाल के ऐसा आया था मैं। तो फिर जैसे अम्मी अब्बा आए, वो मतलब शॉपिंग करके आए, तो उनको बोले तो बहुत रोने लगे मेरे को, सब लोग मेरा वेट करते बैठे थे, तो सब लोग देखे मेरे को बहुत रोने लगे। तो उसी दूसरे दिन अम्मी अब्बा रुके नहीं, फिर हम आ गए बीजापुर को, फिर उसके बाद से मौका मिला ही नहीं मेरे को आपसे वापस से आपको परेशान करने का। तो फिर उसके बाद में कब आया? उसके बाद मैं वापस पुणे को आया, मेरी 11th की एग्जाम हो गई, 9th स्टैंडर्ड में थी। हाँ, तो मैं 11th कंप्लीट करके मेरे को छुट्टी मिली थी, तो छुट्टी में उस टाइम भी कैसे हो गया, मेरे बहन ने मेरे को जबरदस्ती लेके आया। हाँ, तो मेरी 8th स्टैंडर्ड की छुट्टी थी। अच्छा, तो मेरे को भी मेरे भाई ने जबरदस्ती लेके आया, जबकि मैं उसको मना कर रहा था, नहीं मेरा मन नहीं, बोले नहीं नहीं चल 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 करके। फिर आए, आने के बाद फिर मैं आया उस दिन शाम में आ गया, शाम में आने के बाद मैंने उसको बोला मेरे को बहुत बोर हो रहा है, चल ना कहीं बाहर जाके कुछ खिला पिला मेरे को बोले। फिर हम गए भेल खाने को। फिर जैसे मैं नीचे उतरा, तो जैसे अभी सब लोग बैठते हैं बिल्डिंग के लोग वहां पे ना, तब आप नहीं थे, नहीं ना जाने के टाइम, हाँ जाने के टाइम तो मैंने फरा को देखा ही नहीं, कुछ लेडीज लोग थे उनसे मेरी बहन बात की। फिर हम गए दोनों मस्त जाके भेल खा के वापस आए, वापस आने के टाइम वापस से लेडीज लोग थे, तो लेडीज लोग में ये भी बैठे थे, हाँ मतलब बड़े जो बैठते हैं उन लोगों के साथ में ये भी बैठा करते थे नीचे, शायद बैठ मैंने तो देखा उस टाइम बैठे थे ये। फिर बाद में बैठे तो उनमें से किसी लेडीज ने मेरे बहन को आवाज लगाई, तो वो जाके रुक गए वहां पे बातें करते। फिर मैं क्या करूँ, मैं साइड में रुक गया, अभी मैं कैसे जाऊँ लेडीज में। तो वहां से मैंने इनको देखा, मैंने बोला ऐसा क्यों लग रहा है कि जाना पहचाना चेहरा लग रहा है मेरे को ऐसा, अभी बस छोटे थे तो बड़े होने के बाद तो ऑब्वियसली याद नहीं आएगा ना। अब मेरे को उस टाइम भी नहीं पता था शादी में कि वही बिल्डिंग में रहते हैं, अपनी बातचीत नहीं कुछ नहीं, एक दूसरे को ऐसे हम परेशान कर रहे थे उस टाइम। तो फिर मैंने इनको देखा, मेरे को देख रहे हो, बोला मैंने भी सोचा अरे लड़के ऐसे क्यों देख रही है मुझे करके, और आपने क्या सोचा था? मैंने भी देखी आपको, तो बोली कौन है क्या मालूम। फिर बाद में जैसे ना कि बच्चे आपको बोलने लगे मामू मामू, तो फिर मैं समझे अच्छा चाची का। तो फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैं वापस क्या करा, सेकंड फ्लोर पे रुका, कौन है ये लड़की करके मैंने देखने रुका। तो मैंने क्या किया, और मेरे को भी बराबर मालूम था कि ऊपर से देखने वाला है, मैं भी ऐसे ऊपर देखी तो था,
हाँ तो मैं रुका, फिर जैसे मेरे तरफ देखे मैं इधर उधर ऐसे देखने लगा, तो मोबाइल करके हाँ बोल ना ऐसे करके, मतलब ताकि इनको ना लगे कि मैं इनको देख रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था, बट ऐसे ही अभी बोलते हैं ना वो एज रहती है वहाँ पे। बट हमारे को बिल्कुल जब हम छोटे छोटे थे जब मिले थे हमारे को बिल्कुल भी नहीं पता और इतना था। देखा देखी में भी हमको ऐसा समझा था नहीं कि अभी यही है जिसके साथ अपना शादी होने वाली है, बिल्कुल भी हम दोनों ने नहीं सोचा था कि आगे जाके हमारी शादी होगी, यही अल्लाह ने हम दोनों का जोड़ा मतलब बचपन में हम दोनों को मिला दिया था। तो फिर वहां से मैं एक महीना रुका था जब मैं आया था वापस से छुट्टी में, एक महीना मैं रुका था। फिर ऐसे फर्स्ट टाइम ना कैसा है बिल्डिंग का, ये एक स्टेयर है वो एक स्टेयर है ना, तो मैं इधर से चढ़ा, ये फर्स्ट टाइम मेरे को ये साइड दिखे, मेरे को लगा इनका घर इधर ही होगा। बट दूसरे टाइम मैं नमाज को वो साइड से उतरा तो ये उधर भी दिखी, बोला पूरी बिल्डिंग में घूमती रहती है क्या, बोले लड़की किधर जाके उधर दिखी रही है मेरे को करके। फिर बाद में मेरे को पता चला कि उनका घर ये साइड है, तो अच्छा। फिर बाद में मेरे को नाम पता चला, फरहीन नाम है इनका। फिर हमारे को पता ही नहीं था कि बचपन में हम दोनों ने मतलब थोड़े बड़े हो गए थे ना, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचाने थे हमने। फिर बाद में फिर ऐसे रहने लगा, फिर बच्चे लोग सब खेलने लगे, हम भी तो बच्चे ही थे उतने बड़े नहीं थे ज्यादा। फिर बाद में ऊपर हम टेरेस पे कैरम खेलने लगे, कैरम खेलने के टाइम फिर ये भी आने के, तो ये भी खेलने लगे हमारे साथ में। फिर ऐसे ऐसे हम भी बात करने लगे। फिर बाद में पता चला हाँ ज्यादा नहीं, अभी बच्चे हैं तो बच्चे सब मिलके खेला करते थे। तो मैं गांव से आया था तो सब लोग अभी मेरे जो भांजे वो सब लोग हमारे साथ ही रहते थे, तो मिलके हम खेला करते थे इतना ही। फिर कितना एक महीना में रुका ना, हाँ एक महीना था। फिर ये टेरिस पे सोने के लिए जाते थे और उधर हमारे दादी भी सोते थे, तो फिर मैं भी ऊपर जाके थोड़ी देर बैठती थी। तो ये क्या करते थे, मैं जैसे ऊपर आई ना, मैं कुछ देखने के ऐसा क्यों करता है, ये एड़ा लड़का है क्या ऐसा लगता। मैं भी देखता था, ये भी देखते थे इसलिए मैं भी देखता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देखता था। तो ऑब्वियसली अगर कोई देखता रहेगा तो अपनी भी नजर जाती है ना, नहीं ऐसा नहीं रहता। वैसे भी कोई भी देखता तो किसी को भी देखूंगी क्या, ऐसा नहीं रहता। अरे तो अभी मैं आप मेरे को देख रहे थे, मैं भी आपको देख रहा था, तो फिर ऐसे ऐसे मेरे को भी अच्छा लगने लगा। फिर मैंने रुका वहाँ पे, एक महीना पहली बार तो मेरे को जबरदस्ती करके लाए थे, मेरे को मन ही नहीं था आने का पुणे में। फिर बाद में जैसे जैसे ऐसा हो गया फिर मैं रुका एक महीना, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने का, फिर भी मैं चला गया एक महीने के बाद। तब जो मैं गया एक महीने के बाद वापस, मैं कब आया आपको पता है, मैं आया उसके बाद पुणे को, कब आया मैं, 7 साल के बाद मैं पुणे को आ गया वापस। 7 साल के बाद आए, फिर 7 साल में इतना बदल गया था, बड़ा बोलेंगे अभी क्या। 7 साल में मैं आया उसके बाद, तो वापस से मैं यही बिल्डिंग में आता था और वापस से मेरे को यही लड़की दिखती थी। मतलब जब भी ये आते थे ना, इनको पुणे में कोई और दूसरी लड़की मिली नहीं, मैच मिलती थी उनको किधर ना किधर से, है ना। हाँ तो मिलते थे, तो आया मैं वापस से, तब ये मेरे को फर्स्ट टाइम बुरके में दिखे थे, मैं बुरके में थे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कोई होंगी लड़की करके। और ये आ रहे थे अपने स्कूल से शाम के 6 बजे और मैं रिक्शे के पास बाहर रुका था। बट आपने मेरे को पहचाना, पहचाना था, अच्छा तो मैंने तो इन्हें नहीं पहचाना था, बुरके में थे। फिर बाद में आए, फिर 1-2-3 दिन तक मैंने इनको देखा नहीं। क्या वो उस टाइम इन्होंने बुर्का स्टार्ट किया था पहनने का, तो उस टाइम तो मेरे को नहीं दिखे। फिर बाद में एक शायद बाद मेरी नजर इनके ऊपर चली गई, बोला अरे कितनी अच्छी लड़की है ये करके। फिर तब अब मेरी भी एज हो गई थी तब, तो मैंने सोचा अच्छी, तब मेरे को देख मुझे इनको देखते मेरे को बहुत अच्छी लगी। अभी पता ही नहीं कि हम वापस से मिले नहीं कभी बचपन में, लेकिन जब मैं देखा था तब मेरे को सोचा ये वही लड़की रहेंगी जब छोटे, जब मैं आया था तब मिले थे हमने कभी। बट उससे पहले हमारे को ये नहीं पता था बचपन का, जो शादी में मिले हम, हाँ वो नहीं पता था। फिर ये स्कूल को जाते थे 12 बजे। फिर मैं थोड़ा, मैं कितने 8 दिन के लिए आया था उस टाइम सिर्फ ज्यादा, और मेरे को काम भी था, छुट्टी लेके आया था मैं। फिर मेरे को उस टाइम दिखे तो मैंने सोचा वैसे भी स्कूल में टीचिंग को जाती थी, लोगों को लगा बुर्का पहन के पढ़ाई को जाते थे, ये इनके अभी कंप्लीट नहीं हो गई थी 10 टीचर थी मैं तभी, तब आए थे ये, मतलब 2019 में आए थे शायद, है ना। 19 हाँ 18-19 शायद 18 को आया हूँगा, हाँ 18 को आया था। तो फिर मैंने देखा तो मैंने फिर सोचा मेरे को अच्छे लगे फिर देखने के बाद मेरे को। फिर तब इनका भी कुछ वैसा हो नहीं हुआ था ना, अभी रिश्ते विश्ते तो इनको नहीं देख रहे थे। फिर मैंने घर पे मेरे बात किया कि मेरे को एक लड़की ऐसे पसंद है। सबसे पहले मेरे को ना डरने बहुत मतलब बोलने के लिए बहुत डर लग रहा था घर पे
कि ऐसे ऐसे लड़की पसंद है मेरे को पुणे की करके। बोले पुणे की? बोले नहीं देंगे हम, बोले नहीं करेंगे, सॉरी नहीं करेंगे। बोले बोले क्यों? बोले बहुत दूर की होती है, बोले महाराष्ट्र की लड़की बीजापुर में कैसे रहेंगे ऐसे। सारे रहेंगे और तुम बात तो करो एक बार करके, मैंने ऐसे ऐसे बोला। फिर ऐसे वैसे करके अभी मेरी बहनें रहती थी तो उनके थ्रू बात हो गई हमारी इनके घर तक। तो फिर इनके घर में भी पूछे बीजापुर अभी। नहीं हाँ तो उधर भी हो गया, नहीं इधर भी नहीं इनका। फिर भी चलो इन्होंने मना लिए, हमारे यहाँ पे बीजापुर बोले तो बोले नहीं हम देंगे नहीं। बीजापुर का इतने दूर हमारी बेटी दे नहीं सकते, आगे इकलौती बेटी है हम नहीं देंगे हमारी बेटी, ऐसे वैसे होने लगा। फिर बाद में मैं बोले किसको? लेकिन अच्छा वो समीर को, वो समीर के लिए पूछ रहे हैं ऐसा ऐसा। फिर ना कि ये लगने लगा। फिर बाद में से इनको भी मैं अच्छा लगने का पन ये बोलने के लिए वो बाद में हाँ, समझाते अच्छे आगे ही लगने आएंगे। के। हाँ फिर उसके बाद में फिर जैसे हम लोग का हुआ, फिर क्या कैसे क्या ऐसे हुआ? वैसे करके मैंने बहुत दुआएं हाँ की। फिर बोले कि तुम पुणे में रहो, तो मैं बोलूंगा हाँ ऑब्वियसली अगर मेरे ये को बोले जॉब हाँ पुणे में, मुझे पुणे में अगर अच्छी जॉब लगी तो मैं यहाँ पे ही रहने वाला हूँ। फिर ऐसे ऐसे डिसाइड हो गया फिर पुणे का। फिर मैंने बोला हाँ मैं आके जॉब देख दूंगा। फिर एंगेजमेंट से पहले मैं पुणे को आ गया। मतलब घर वाले भी थोड़ा ये थे, मतलब अकेला कैसे जाएंगा कैसा करेंगे। हॉस्टल में रहने का कुछ मेरे को ये नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो फिर मैं हॉस्टल में आया, रुका, फिर जॉब देखा। फिर कितने मंथ मैंने यहाँ पे जॉब किया। फिर बाद में एंगेजमेंट का फिक्स हो गया, हमारा एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद हम दोनों की बातचीत चालू हो गई थोड़ी थोड़ी फोन पे। तब हमारे को पता चला कि हमने बचपन में भी हम दोनों एक दूसरे को मिले थे, आपने मेरे बाल खींचे, तब हमारे को पूरा याद हो गया। और फिर उसके बाद में हम लोग की बॉन्डिंग होने लगी, एक दूसरे के अच्छे से पहले होने लगी, फिर एक दूसरे को समझने लगे। तो फिर हम दोनों पहले की याद करने के, अब कैसे आने के ऊपर खेलने के, हम दोनों हमें पता ही नहीं था कि हमारा ऐसा होने वाला है करके। फिर ऐसे ऐसे बातचीत होने लगी। फिर मैं इधर ही रहता था, मतलब कभी कभी छुट्टी लेता था 4-5 दिन की, तो फिर मैं गाँव को जाता था इधर ही हॉस्टल में रहने का। पर हम कभी मिले नहीं हो, क्योंकि फारा के घर पे भी अलाउड नहीं था ऐसे बाहर जाना मिलने का। तो फिर मैंने भी कभी फोर्स नहीं किया मिलने के लिए, क्योंकि उसके बाद शादी बहुत जल्दी हमने रख दिया ना, एंगेजमेंट होने के बाद 3 महीने के बाद लग गई 3 महीने के बाद। तो फिर मैंने भी उतना ज्यादा फोर्स नहीं किया मिलने के लिए, फराह को बोला ठीक है चलेगा। कभी कभी दिल करने कभी का, कभी क्या करते थे फिर हम लोग इनको खाने पे घर पे कुछ अच्छा बनाए करे तो बुलाते थे ना एंगेजमेंट के बाद। क्योंकि मैं भी अकेला था यहाँ पे, वैसे भी फैमिली भी थी पर फिर भी मैं अकेला रहता था, तो ये लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, बुलाते थे घर पे खाने को। कभी कभी टिफिन भी आता था मेरे को इनके घर से, अब बुला के देने के मेरे को टिफिन। तो फिर अच्छा ऐसे रहने लगा मैं। फिर उसके बाद तो ऐसे हमारे चालू हो गई स्टोरी। फिर टिकटॉक आदि एंगेजमेंट में बना, एंगेजमेंट के बाद हमने स्टार्ट किया ना टिकटॉक, एंगेजमेंट के बाद स्टार्ट किया, बट उतना नहीं था, 1-2 वीडियो हमारे जो वायरल हो गए। फिर उसके बाद हमारे को सोचा कि शादी के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एंगेजमेंट शादी से पहले कंटिन्यू करने का पॉसिबल नहीं था क्योंकि दोनों मिलते ही नहीं थे। और फिर एक बार मैं चला गया वापस इसके बाद, और वहाँ पे मैं कैसे आता था कभी पुणे को, कभी मेरे को आना रहा, मतलब सिर्फ मिलने के लिए नहीं, मेरे को इनको कभी देखना रहा कभी आना रहा। तो मैं मेरे बहन के पास आता था, वही बिल्डिंग में रहते थे, तो मैं शाम में 6 बजे की गाड़ी वहाँ से पकड़ता था ट्रेन। तो 6 बजे ट्रेन वहाँ से छुटी तो 1 बजे तक यहाँ पे पहुँचती थी। 1 बजे मैं ऐसे ही इनके पूरे ख्याल में आ जाता था कि मतलब इतना बड़ा सफ़र है, मेरे को लग ही नहीं होता था। और जैसा ही पुणे को अनाउंस करते ना, पुणे स्टेशन आ गया, इतना खुश होता था ना, पुणे को आ गया अभी करके आता था। फिर 1-2 दिन के लिए कभी कभी फिर देखते थे, अपना ही बात करते थे, ऐसे वैसे करके हमारी शादी फिक्स हो गई। इसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद तो आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से जान लिया। वो स्टोरी तो हमने शेयर कर दी है शादी के बाद का, कैसी लाइफ थी हमारी। तो ये थी शादी के पहले की लाइफ, शादी तक की, शादी के आगे की आप लोगों को बता चुके हैं। बचपन से हम मिले और इतना गैप हो गया हमारा, कितना गैप हो गया, 10 साल का तो गैप हो गया हमारे दोनों के बीच में। और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, मैं बहुत दुबली थी पतली थी मोटी हो गई, ये भी पतले थे, मैं बहुत दुबला पतला था, मैं भी थोड़ा थे। भी हेल्थी हो गया। उसके बाद जिम वो ज्वाइन किया मैंने, फिर हम दोनों भी चेंज हो गए, जैसे बड़े बड़े होते गए वैसे भी चेंज होते गए। अभी बचपन की फोटोज हम लोग दोनों का ऐसा ही था कि हम लोग दोनों ने कभी एक दूसरे का ऐसा बॉडी के ऊपर नहीं हम लोग ये करे कि ये मोटा है ये मोटी है, नहीं हम लोग ने सिर्फ एक दूसरे का दिल दे के फेस दे, बस हमको दिल से मतलब था, आदत से मतलब था। तो हम दोनों को एक दूसरे के लिए हाँ, मुझे भी जब मैंने इनसे बात की मुझे लगा हाँ ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा इंसान है, बस मैं रह सकती लाइफ टाइम इसके साथ। उन्होंने भी कुछ ऐसे सोचा होगा मेरे बारे में, तब
तब जाके हम लोग का इतने अच्छे से, आज भी हम लोग दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ के रहते हैं, क्योंकि हमको पता था, मुझे तो पता था कि ये मेरा साथ देंगे ही देंगे चाहे कुछ भी हो। मैं इतनी गुस्से वाली हूँ, इतनी ये हूँ, इन्होंने मुझे इतना शांत किया, इतने मेरे को संभाल के लिए ना, कि मैं तो बोलती कि कहीं और मेरी शादी होती थी तो कोई भी इतना नहीं मुझे संभाल पाता था, मैनेज कर पाता था जितना कि इन्होंने किया है। क्योंकि हमेशा से मैं जानता हूँ फरा में ना थोड़े बच्चे चले रहते हैं, बट जैसे अभी आपको फरा दिख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो क्या करते हैं कभी कभी, अगर घर में मैं शांत बैठा रहा कुछ भी करा ना, तो ये मेरे को हंसाने की कोशिश करते हैं एकदम, घर इनकी आवाज से ना एकदम खेलता है, मतलब हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, मतलब मेरे को सताते हैं, मेरे को करते हैं। अगर मेरे मैं कुछ कुछ भी बैठा, चुप भी बैठा ना अगर, तो डांस करते हैं एकदम फनी मोमेंट के, डांस करते हैं, मेरे को कुछ ना कुछ हंसाते हैं। मैं बोलता ऐसा सब देख के मेरे को लगता है इनमें अभी थोड़े बच्चे चाह रहे हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वही बोलता कि जिंदगी भर आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही खुश रहते जाओ। बचपन अच्छा लगता है और गुस्सा भी, हाँ बचपन के साथ जब गुस्सा आता है ऐसा लगता है कि बचपन अभी बचपन है इसमें, बट थोड़े देर के लिए रहता है। प्यार से अगर समझोगे तो ऑब्वियसली कोई भी समझेगा कैसा रहता है। अभी तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, अगर तुम्हारी भी कोई, अगर तुम्हारी भी वाइफ होंगी, तो अगर वो कभी गुस्सा होते हैं तो उस गुस्से में आप उनको समझ के जाओ, समझो उनकी फीलिंग को समझो और उनको प्यार से समझाओ, देखो फिर वो कितने जल्दी आपको समझ जाते हैं। अगर वो भी गुस्सा है और हम भी गुस्सा है, दोनों एक दूसरे से गुस्सा कर रहे, तो वो गुस्सा कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक दूसरे को तो समझ के लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये मेरे से 2 साल के छोटे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, तो मुझे समझना होगा और इनको समझाना होगा, और ये समझते बहुत जल्दी है। मैं कुछ भी समझाता हूँ ना तो बहुत अच्छे से समझते हैं, और कुछ करने से पहले मेरी परमिशन लेते हैं, इसलिए हम दोनों बहुत खुश हैं। मतलब तो हम दोनों अपने हिसाब से रहते हैं और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है चीज में, रिलेशन में वो। और हमने सोचा नहीं था कि शादी के बाद हम दोनों तो डिसीजन ले चुके थे कि अकेले रहने का, फिर पता नहीं था कि कैसा रहेंगे कैसा नहीं, कैसा नहीं करेंगे। हाँ फिर भी अभी थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं वो नहीं पूरा ही बोल रहा मैं, फिर भी हमने नहीं सोचा था। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छे से हम दोनों ने अपने आप को अभी हैंडल कर लिया है एज अ कपल्स, मतलब हस्बैंड वाइफ हम अभी हो चुके हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आई होप कि बचपन का ही पार्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने भी छोड़ी नहीं होगी, और आप ही तो गिन गिन के बदले ले। हाँ वही बार बार मेरे को बोल के बदला लेते हैं, क्योंकि मेरे को बचपन में मारा है करके। तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जैसा अभी तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बाय, दुआ में याद रखना।